आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी क्योंकि भाइयों के साथ जा रहे हैं। सबसे एक टाइम का ट्रिप समझो, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सीधा श्रीनगर। दिस इज लॉबी। लॉबी हाँ लॉबी। हाय, ये चीज फील करनी थी ना, मजा है। बाथरूम गया है, अभी से टब में नहाने लगे। इमेजिन करो कि इस टाइम हम 11 बजे श्रीनगर डल गेट में घूम रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, अल्लाह सबको खुश रखे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट है इवनिंग से हो रहा है, तो अभी हमारे एकदम से प्लान बना। तो हमारे बड़े भाई जी जो पिछली बारी भी हमारे साथ व्लॉग में आए थे तो बहुत ज्यादा खुश थे, उन्होंने कहा कि हमें आज फिर से घूमने जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं जी, कहाँ? श्रीनगर जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर टकलू वाला भाई जा रहा है। टकलू भाई इधर जाओ। टकलू भाई जा रहा है हमारा, और दूसरा ये हमारा मोटा वाला भाई जा रहा है। तो हम कितने बंदे जा रहे हैं? तीन, और एक चौथा वाला भी तैयार हो रहा है। चार और एक कजन भी जा रहा है। पांच, पांच बंदे जा रहे हैं हम, वो भी भाई की गाड़ी, भाई भाई की गाड़ी में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग। बस यही मसला था, कहीं जाना होता ना, जहाँ पर भाई बोलता है खर्चा उठाएगा भाई। ये थोड़ा मैं खर्चे भेज दूंगा। सही बात है बिट्टू भाई, थोड़ा सारा उठाए। तो आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी क्योंकि भाइयों के साथ जा रहे हैं। सब पिकनिक समझो, एक टाइप का पिकनिक समझो, एक टाइप का ट्रिप समझो। और तब तक जो 36% लोग है ना भाई, सब्सक्राइब कर दो यार। तुम देख के भी सब्सक्राइब नहीं करते, बुरा लगता है यार। क्या मतलब बिगाड़ा क्या यार? बच्ची बोलो यार, जो 36% लोग है, 36% भाई बोलो कुछ। मैं वो करते ही नहीं, उनको लगता है कि शायद सब्सक्राइब कर देंगे फिर। बोल कर दो यार भाई, लाल बटन दबा रहा है वो, दबा दो। ऐसे भी दिख रहा है, मुक्का मार के कुछ भी करके सब्सक्राइब कर दो और हम तैयार होते, फिर मिलते हैं आपसे। जी जावर भाई ने मेरा शूज निकाल दिया मेरे से, ये देखो भाई। और वैसे भी मैंने नया वाला शूज लाया है भाई, एंड ये भाई हमारा न्यू शूज इस टाइप का। तो मैं सोचा अब यही लगा लूँ। मेरी और अर्शी भाई की थोड़ी समझ गई थी, तो अर्शी भाई थोड़ा रोड़ गया मुझसे और बोल रहा है कि मैं नहीं आऊँगा आपके साथ। बताया तो मैं बर्दाश्त नहीं होता, बोलता बात ही नहीं करेगा, बोलता आज अब मैं तेरे ब्लॉग में। अर्शी भाई बोल रहा मैं आऊँगा ही नहीं अब। सही में पर मैं जाऊं तेरे बगैर। दिस इज माय शू। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके मम्मी। तो चल पड़े हैं घर से, और 4 बजे निकल रहे भाई, 4 बजे निकल रहे हैं हम घर से। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज हम छोटी वाली गाड़ी में जा रहे हैं, आज जा रहे हैं हम बड़ी वाली गाड़ी में, और उसमें मजा ही अलग, फील ही अलग आएगा भाई। आज हम छोटी वाली गाड़ी में नहीं जाएंगे, आज जाएंगे जी हम अलग ही ट्रक में जाएंगे। ट्रक में नहीं मतलब इस बड़ी वाली गाड़ी में, इस वाली गाड़ी में जी, इस वाली गाड़ी में। और जरा क्या कर रहे हैं भाई? हाँ भाई तैयारी हो रही है, रेडी। एंड आज हम इस ट्रक में जाने वाले भाई, इस बड़ी सी गाड़ी में। माशाल्लाह इसमें जो फील है ना आने का, बैठने का और जाने का, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई माशाल्लाह इसका फील ही अलग है भाई। गियर्स, अरे देख रहा हूँ मैं गाड़ी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये जी भाई जैसे साइकिल नहीं चलाएगा, वो ये बोलते मुझे चलानी है, मैं तो चला सकता हूँ आराम से। इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है जो लाइटिंग है ना नीचे से, ये लाइट आती है, अलग अलग कलर्स आते हैं इसमें, वो बड़े प्यारे आते हैं। रूठे तो नहीं भाई, नाराजगी कुछ तो नहीं हमसे। चले जी फिर, बाजी रेडी हो? रेडी रेडी। जाफर भाई, अर्शी भाई, अर्शी भाई बोलता मैं आप तेरे ब्लॉग में कोई भी बात नहीं, कॉपीराइट मार दूंगा। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जो भी नया आता है वो सब्सक्राइब कर दो, जो पुराने हैं वो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, ठीक है? Here is the bro, second bro. Yeah, yeah, bro. Yeah, yeah, yeah. कड़ी चिकड़ है यार, क्या बोलूं? बोतल पकड़ दो, बोतल रखो अंदर यार, चिकड़ दी कितनी इधर से। ओ यार क्या बोलूं भाई, दिस इज रामन ब्रो, देख रहे हो भाई। एंड ये आता हुआ पांचवा शख्स तौफीक भाई, कैसे हो? हाय, हेलो। तो ये हम आ चुके हैं पांच बंदे, एंड ये हम पांच बंदे जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सीधा श्रीनगर। रास्ते रास्ते बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है,
चार बजे निकले, सोचो फिर आज का सफर अंधेरे का सफर है। साढ़े चार भाई बुरी हालत भाई। भाई एक बारिश पड़ती है पूरा रामन्ना लगता है जैसे गांव बन गया है। बाजार आता ना बंदा इधर से जाके घर, पहले बाजार मतलब पहले नहीं नहाता बंदा, यहाँ से वापस जाता फिर घर पे। अच्छा पहले घर से निकलता तब नहीं नहाना होता, वैसे ही आ जाता। अच्छा वापसी पे नहाना पड़ता है। अच्छा हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। सबने परमिशन ले ली है, ले ली। यहाँ पर करते हैं टैंकी वैंकी फुल, गाड़ी की स्कॉर्पियो की देखते हैं कितनी की फुल करवाएगा या आधी करवाएगा जितनी भी करवाएगा, क्योंकि लगना तो तेल काफी ज्यादा है। हमारे आगे देखो भाई गाड़ी के पीछे क्या लिखा, अच्छे से पढ़ो। बेरोजगार, ये बेरोजगार बेचारा कोई बेचारा है यार। पीबी पंजाब का है। हाँ चुके हैं पंडिहाल आ चुके हैं। तो माशाल्लाह यहाँ से रोड था पहले, एक टाइम होता था यहाँ से, और आज हम जा रहे हैं अमीरों की तरह बड़े बड़े रास्ते। एक बात बताना मुझे, आज तक जब भी यहाँ से तुम गाड़ियों में गए हो किस किस ने क्या क्या दुआई की? सुना फेसबुक पे। पहले हम पहले नजर आगे के दिखाते, ये जी नया टंडल भाई, माशाल्लाह। चलो उससे तो बेहतर है। फेसबुक पे मैंने सुबह देख रहा था कुछ ऐसे ही यार, बोलता सच सच सारे कमेंट करके बताना कि यार जब भी तुम पंडियाल से गुजरते थे कौन कौन ऊपर वाले को याद करता था। सही था जहाँ पे आपने किया था, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा। आपने भी किया था बची पंडिया। अच्छा लगा यार, अच्छा लगा ये देख के, ये सबसे अच्छी चीज की हमारे रामन डिस्ट्रिक्ट में, बहुत अच्छी चीज की। ये जी बहुत ही खूबसूरत इंसान अर्शिद भाई के साथ अभी है। ये कौन है वैसे बार जी? जीजू तेरा। ये हमारे जीजू है, मतलब हमारे चाचू की लड़की का हस्बैंड है। देखो कैसे अर्शिद भाई ये डायल दिखा रहा है। रामसू का मुंशी है, रामसू थाने का मुंशी जी अयाज भाई हमारे। अभी हम रामसू रुके थे, ये हमारे जीजू जी थे, इनसे हमने बातचीत की और यहाँ से निकलते हैं सीधा आगे। अभी जी हम आगे शेर बीवी में आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी है। मजा आ रहा है ब्रो, और यहाँ पर चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है? पौने छह बज गए। अभी हम शेर बीबी, अभी हमें बानिहाल पहुंचते हैं, फिर कश्मीर, फिर श्रीनगर, अभी बड़ा दूर, अभी 2 घंटे और लग जाएंगे हमें। ये है कुछ चाय, इसको टपरी वाली चाय बोलते हैं। टपरी वाली चाय पीएंगे यहाँ पर, मजा आएगा यानी। यहाँ पर हमने खाने मीठे परोठे खाने हैं और चाय पीने लगते चाय, तो चाय गर्म गर्म चाय एंड परोठा। तो जी हो चुका है पैसे, एक्स्ट्रा दे दिया। अरे भाई अबे भाई ओके चलो जी। पहुंच गए अभी पहुंच गए हम डल गेट की मार्केट में पहुंच गए, जहां पर बस स्टैंड होता है भाई। और अभी कुछ प्लान नहीं है कहां जाना है हमको। ओए होए होए सर शिकारा देख रहा है इसीलिए तो आया था। भाई 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 बिट्टू भाई ने लास्ट टाइम वीडियो देखा था, बोल रहा था भाई मुझे भी जाना है, मेरे को जाना है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। एंड ये देखिए भाई शिकारे को देख के बहुत याद आती है हमको। बाय बाय बाय, बहुत खूबसूरत। वाओ शिकारा में बस यही शिकारा लेना सर हमने, फिर यही हाउस बोट पकड़ने। कौन सी वाली पकड़नी बोल, हाथ उस पे लगाऊंगा मैं बस। इंदौरा पे लगाएंगे, इंदौरा पे। ये सारे बुक हो गए होंगे मुझे पता ना, ये अभी होंगे ही नहीं, सारे ले लिए होंगे। अभी से हम डल गेट पहुंच चुके और हमको यहाँ पर अब रूम देखना है, पहले रूम का जुगाड़ करना है, उसके बाद कुछ कहीं जाएंगे, ठीक है ना। अभी जाएंगे मैं, तौफीक भाई और अर्शी भाई जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे शिकारा वगैरह कहाँ पर कुछ मिलेगा, तो वहाँ पर चलेंगे। और ये हमारी जी टैक्सी है जो हमको वहाँ तक पार्क टकराएगी, और देखेंगे जरा रूम क्या है, कैसा सिस्टम है पूरा और कितना लगेगा, एंड आपसे शेयर भी करेंगे। गाड़ी अभी हमने यहाँ पर लगाई है, जावर भाई और बिट्टू भाई गाड़ी की रखवाली करे, एंड देखते हैं जी कहाँ पर लेते हैं भैया जी हमको। भी देख रहे हो भाई, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज्यादा प्यारे।
यू विल ट्राई, बाकी देखेंगे भाई यहाँ से। देखिए भाई 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 ये वाली देख रहे हैं भाई, वहाँ से घूम घूम के आए और इसके पास। ओह ओह कितना खूबसूरत माग, नीचे देख रहे हो आप। लो भाई वो हिल रही हूँ, ये है कुछ रूम। अब अंदर चलते भाई, निकालो शू, आगे आगे चलो जी जी। कुछ रूम, माशाल्लाह, वॉशरूम, दिस इज वॉशरूम, दिस इज बेडरूम, इट्स नॉट बैड है। इस पे आ भी जाएंगे सारे, तीन यहाँ पर नहीं, चार यहाँ पर, एक यहाँ पर। वो एक कौन है क्या? क्यों एक आपको क्या करना है? ये है जी डिनर विनर, जहाँ पर डिनर वगैरह करेंगे यहाँ पर बैठ के ऐसा कुछ। एंड चलते हैं बाहर, एंड ये है लॉबी। तो ये यहाँ पर ये सिस्टम है कि एक रूम में पांच बंदे नहीं अलाउ करते, ये एक रूम में तीन बंदे और एक में दो। तो हमने सोचा था एक ही रूम पकड़े, एक रूम में तीनों मतलब पांचों बंदे बैठेंगे एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं पर ये नहीं मिल रहा है। अलग अलग बैठेंगे फिर वो मजा नहीं आएगा, बोलेगा मैं अलग में बैठूंगा ये वो। तो हमने सोचा एक ही रूम पकड़िए, एक रूम में सारे बैठेंगे एंजॉय करेंगे। दो रूम में पकड़ने में कोई इशू नहीं, लेकिन मजा नहीं आएगा वो वाइब, वो नहीं मजा आएगा जो हम चाहते हैं। तभी हम सोच रहे कि एक ही रूम में सारे बैठेंगे। होटल्स तो मिल जाएंगे लेकिन होटल नहीं चाहिए हमको। होटल चाहिए नहीं हमको, चाहिए हाउस बोट, क्योंकि भाई को हाउस बोट में बैठना है, मतलब बैठना है। भाई की ख्वाहिश है, भाई की ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। इसको बोला हमने इससे बात करिए, वहाँ कब लगाना है, वहाँ रिश्तेदारी लगाने लगे। ये मोटिवेट वाला बंदा है माँ की कसम, ये है ना ये हमारा भाई जो ये बड़ा पुट्ठा मोटिवेट करता है बंदों को। दो साल ट्रेनिंग किए लद्दाख कठुआ रियासी, ये नॉलेज तुझे नहीं पता। अच्छा इसकी तभी इतनी नॉलेज है, इसको ट्रेनिंग, इसको बोला हमने रूम ढूंढ, इससे बात करिए तो गप मार रहे हो। देखो मोटिवेट कर रहा है, रिश्तेदारी निकाल रहा होगा भाई ये वो। 9:30 बज रहे अभी, हम ढूंढ रहे हैं हाउस बोट और मतलब मिलने के चांसेस हो रहे हैं, नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, मतलब 50-50। तो अभी हमने खाना वगैरह भी नहीं खाया, अब देखते जरा क्या होगा, बनेगी मिलेगी नहीं हाउस बोट, या तो फिर हमको क्या पता रूम ही बुक करना पड़ेगा, चलो देखेंगे। लेकिन फाइनली रूम मिल चुका है हमें, और हमने आखिरकार शिकारा में हमने स्टे करने का सोचा। और शिकारा का हमारा वहाँ पर लोकेशन है वो दूर है, दूर नहीं मतलब नजदीक ही है यार। अब हमको कुछ खाना पीना है, उसके बाद जाएंगे सीधा, हमको लेंगे अंदर। और मैंने वो वाली देखी जहाँ हम पहले गए थे, वहाँ नहीं हम गए, वहाँ पर हमने सोचा वहाँ नहीं ठीक रहेगा। इस साइड हमारे गेट नंबर, कौन सा गेट नंबर है? गेट नंबर 16 है श्री, ये इस साइड की लोकेशन पे है, इधर पे ये इस होटल के सामने। और यहाँ पर वो वहाँ पर हमारी लगी हुई है बोट। तौफीक भाई बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके, मतलब हमारे साथ आज इतना टाइम के बाद आप हमारे से घूमने आए हैं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। और बताओ आज तक कभी शिकारे में बैठे हो किस्ती में, हाउस बोट में? नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो तुम्हारे भाई ने तुमसे छोटा है लेकिन तुमसे पहले एक्सपीरियंस ये वाला कर दिया, मानते इस चीज को? बिल्कुल। और लगा दिए हमने पार्किंग वगैरह, एंड अभी खाएंगे। यही काम है, व्लॉगिंग करना, घूमना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें तौफीक भाई आगे जाके बहुत एक ऐसी जगह पे लेगा वो, इंशाल्लाह वो एक सरप्राइज है इंशाल्लाह। अगर आगे कभी रहा तो हम जाएंगे एक बहुत ही बढ़िया जगह, और तौफीक भाई की जिम्मेवारी वहाँ में लेना, वो अभी हम बताएंगे नहीं, मैं भी बाद में प्लान प्रॉमिस अभी प्लान चेंज भी हो सकता है वो आगे जून जुलाई की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर सारे भाई लोग हैं अभी। बिट्टू भाई कैसा लग रहा है? मुझे से कमरा दिलाया तुम लोग मानते नहीं थे। इसने दिलाया हमें कमरा है बजी ने। अरे मैं बात नहीं करता उनसे, फिर क्या करते फिर वो होटल ले लेते, फिर क्या करते हैं? होटल लेता, होटल पे रहने के लिए आया था या बोट में? बोट चलो ठीक, ओके सॉरी। क्या बोल रहा था, कितना? तो भाई लोग हमने दो रूम लिए, दो रूम के हमें एक रूम का पड़ा 25 और दूसरे का 25 पड़ा। तो खाना पीना नहीं रखा, खाना पीना बाहर का, दो रूम का हमें पड़ा 5,000 रुपए। तो भाई हमारे साथ हमें क्या टेंशन है, इतने अमीर अमीर दोस्त भाई लोग हमारे साथ, इतने पैसे वाले भाई है, तो हमें किसी चीज की टेंशन नहीं, हमें बस घूमना है, आप सबको एंटरटेनमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ठीक है। दरबदरी करनी है, हाँ दरबदरी में 10 बजे घूमना है कश्मीर। तो अभी गेट नंबर 14 पे हम, माशाल्लाह अभी हम खाना पीना खाएंगे। लो जी भाई हमारा खाना पीना, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्हाट इज दिस? दिस इज पनीर, एंड व्हाट इज दिस? वीआईपी बंदा है, इसमें 4-5 वैरायटी है, अब पता नहीं क्या की है। अभी रोटी भी लाएंगे, हाँ इसमें क्या क्या चीज है भाई? देख ना मैं बोलता हूँ, राइस, दही, दो क्या है, मटर पनीर, मटर पनीर, ये मटर है,
मिक्स वेज ये पनीर है और ये चार मसाला है, ये एक मिक्स वेज, एक दाल, दही, राइस, दो पापड़ और रोटी। भाई लोग हो चुका है हमारा रात का डिनर और मजा आ गया खा के। एंड ये पड़ा मैं 200 का था, ये पूरा जो था ना प्लेट पूरी 200 की थी। डेरी मिल्क वगैरह लाए और अभी कुछ और लेस वगैरह लाएंगे। रात के 11 बजे यहाँ पर इनका वीडियो शूट हो रहा है, रील देख रहे हो गुंडे लोग। चलो भाई मजा आ रहा है। रात के 11 बजे हम इधर पे घूम रहे हैं। हाँ भाई सामने दिख रहा है, यहाँ से कैसे दिखेगा इस फोन में, ये कैमरा थोड़ा ना डीएसएलआर ज़ूम करूंगा। इमेजिन करो कि इस टाइम हम 11 बजे श्रीनगर डल गेट में घूम रहे हैं, डल लेक में, मतलब बिना किसी टेंशन के। कोई टेंशन नहीं भाई, बस कुत्ते भौंक रहे, बस उसका डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। जी चलो जी भाई, पानी से उस पार जाना है। थोड़ा मैं कूल लग रहा था, लेकिन लग रहा हूँ कि नहीं बहुत ज्यादा, टोटली टोटली लॉस। बाकी कसम वो जो फिल्मों में वो बंदर नहीं होता है, बुढ़े बंदर है अंकल जी, देखो कैसे देख रहे हो ऊपर से, देख रहे हम लोग काट रहे अंकल भी एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ भाई। दामोजी यार संध्या बेहो पसंद है। भालू क्यों अच्छा है? ना इंसान से भी तो भी अच्छा है। अच्छा इंसान से अच्छा है भालू? भालू एक ही बार हमला करते हैं, लोग हजार बार हमला। वाह वाह वाह, अंकल जी को पुट्ठा वाला धोखा लगा है। किसी पे उम्मीद होती है, आप बड़े बॉय, आप पे उम्मीद बराबर सही बात है। ये जी आ गई हमारी हाउस बोट, छोटी छोटी भी नहीं है, बड़ी है यार, बहुत बड़ी है यार। एंड भाई लोग पहुंच गए हाउस बोट में। एंड ये अपने पलटन आ चुके, गैंग्स अपने, ये जाफर भाई भी आ चुके, ये अर्शद भाई भी आ चुके। मोटा भाई आ जाओ, मोटा भाई कहाँ है? ये मोटा भाई, चलो 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 टकलो चलो, ये आ गए हमारे मोटा भाई। मोटा भाई आओ जल्दी जल्दी। एंड ये कुछ शिकारा था हमारे, इसमें हम आए, वो है जी वहाँ पर गाड़ियाँ चलती है। और ये हमारा यहाँ पर नज़ारा, आज का भी आज का थोड़ा ज़्यादा अच्छा है उस दिन के लिए, मतलब उस दिन इतना नहीं था खास जब मैं लास्ट टाइम आया था, आज वाला ज़्यादा अच्छा है। शूज़ वगैरह निकालते और रूम देखते कैसा है हमारा। एंड हियर इज द दिस इज लॉबी, लॉबी हाँ लॉबी। एंड यहाँ पर मिरर है भाई, यहाँ पर हम रील बना सकते हैं रात को। सबसे बेस्ट चीज रील बनाने के लिए यहाँ पर मिरर है, माशाल्लाह। चलो जी अंदर, एक रूम ये है। ओबे भाई साहब कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा, वल्ला बहुत प्यारा है। ये फील लेना था, सिर्फ सुना था मैंने, रुको अभी उसको जाने तो, पहले उसको जाने दे, पहले उसको जाने दो। ये पहला रूम एंड दूसरा वाला दिखाता हूँ, दूसरा। अबे भाई साहब दिस इज सेकंड रूम, बहुत प्यारा, बहुत ही ज्यादा। दिस इज ब्लैंकेट वाला वो रिमोट। बड़े बड़े रूम है भाई, पिछली बार जब गए थे ना हम जिसमें आए थे तब छोटे थे, आज बहुत बड़े। चला गया अब लेट था, ये चीज फील करनी थी ना, मजा है। बाथरूम क्या है, अभी से टब में नहाने लगा। कजी क्या अभी से बाथ टब में नहाने लगा? कहाँ बैठे हो? अच्छा आप तो फील ले रहे हो, ये देख रहे हो आप, कौन चला गया जी इधर पे? फील है, सॉरी चूज निकल गया। फील मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है। और ये नाइट व्यू देख रहे हो, आए हाय। इसके लिए तो मैं यहाँ आया था। क्या बोलोगे भजी, भजी क्या बोलोगे आज के दिन के बारे में? इसके लिए तो मैं यहाँ पे आया था, अकेला हूँ अभी। अकेला है, अकेला का तुम लोग क्यों ना, ये टांगे कैसे खुली रखी? सॉरी मैं इसके लिए यहाँ पे आया था, मुझे बैठना था। मैं क्योंकि मैंने कमल आए हैं, कमल लाएंगे यहाँ पर बैठेंगे भाई भाई भाई। दोस्तों अब काफी ज्यादा वीडियो भी बन चुका है और कल हमारा बहुत ही प्यारा प्लान है, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे प्लान अच्छे से, तो वो वाला आपको कल वाले व्लॉग में दिखेगा। इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाकी दोस्तों कैसा व्लॉग लगा आज का? मस्त, कैसा एंजॉय किया? ये दो बैठे यहाँ पर, वो दो इधर भी बैठे भाई, और मैं बैठूं, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा ना। तो भाई लोग व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, तुम्हारे भाई के लिए। इतने भाई मेरे साथ आते हैं, बोलते हैं भाई चलो व्लॉग बनाने के लिए, यहाँ यहाँ चलेंगे मजे करेंगे, तो भाई तुम्हारा भी फर्ज बनता है भाई, थोड़े भाई को सपोर्ट करूं। अल्लाह हाफिज, देखने के लिए शुक्रिया एंड फी अमानिल्लाह।